देखो यहाँ पे हमने पास क्वेश्चन किया एक एपी है, तो सबसे पहले तो एपी में हम टर्म्स कैसे मानते हैं। एपी की यदि फर्स्ट टर्म ए हो एंड कॉमन डिफरेंस डी हो, तो इसकी फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, एंड थर्ड टर्म होती है ए प्लस टू डी, थर्ड टर्म होगी ए प्लस थ्री डी, इस तरह से ये जाएगी। और एंथ टर्म क्या होगी, ए प्लस सॉरी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एंथ टर्म होगी। देखो एन इज इक्वल टू वन डालोगे तो ए आ जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एन इज इक्वल टू टू डालेंगे तो ए प्लस बी डी, इस तरह से एक एपी बनेगी। ठीक है, ये एपी की एपी सीरीज होती है। अब इसमें देखो फोर्थ टर्म माइनस सेवन टर्म प्लस टेंथ टर्म इज इक्वल टू गिवन है एम। ठीक है, तो हमें 13 टर्म है वो फाइंड आउट करनी है एपी की। तो देखो ए फोर माइनस ए सेवन प्लस ए टेन इज इक्वल टू गिवन है एम। ठीक है, तो यहां से हम ध्यान से देखें तो फोर्थ टर्म क्या होगी, यदि एन इज इक्वल टू फोर डालेंगे तो ए प्लस थ्री डी आएगा आएगा तो ए प्लस थ्री इंटू डी माइनस एन इज इक्वल टू हम यदि सेवन डालेंगे तो आ जाएगा ए प्लस सिक्स डी प्लस एन इज इक्वल टू टेन डालेंगे तो आ जाएगा ए प्लस नाइन डी इज इक्वल टू है एम। ठीक है, तो ए प्लस माइनस ए ये तो कैंसिल आउट हो गया, एन प्लस ए तो आ जाएगा ए, एन यहाँ पे देखो नाइन डी माइनस सिक्स सिक्स डी प्लस थ्री डी, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री डी माइनस सिक्स डी क्या हो जाएगा माइनस थ्री, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस नाइन डी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस थ्री नाइन सिक्स डी इज इक्वल टू एम, ये हमारे पास इसकी ए प्लस सिक्स डी आ गया। अब हमें 13 वैल्यू 13 की चाहिए ए 13, तो एन इज इक्वल टू 13 डालेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस 13 माने यानी कि 16 डी, तो 16 सॉरी 13 डालेंगे तो 12 है इंटू डी। यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म के। ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें, फर्स्ट 13 टर्म का सम चाहिए। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो सम क्या होता है, एस एन क्या होता है एपी का, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो देखो ये तो हमारे पास ए डी और एम में एक रिलेशन आया था। ठीक है, तो यहाँ से हम सम कैसे निकालेंगे, एन इज इक्वल टू एन 13 सम 13 टर्म्स का सम चाहिए, तो ये डालेंगे 13 डिवाइडेड बाई टू टू ए प्लस 13 माइनस टू कितना हो जाएगा 12 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 13 बाई टू इंटू टू कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ए प्लस सिक्स डी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट और 13 इंटू ए प्लस सिक्स डी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, देखो एम, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 13 इंटू एम, ये एस एन के इक्वल यानी कि 13 टर्म्स का सम होगा वो होगा 13 इंटू एम, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके।